कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर मिला। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर देख मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकी। बड़ा हादसा होते होते चला, रेलवे ने जांच रोकी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। न्यूयॉर्क में होटल पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने किया जोरदार स्वागत। मोदी के लगे नारे। पीएम मोदी आज सीईओ राउंड टेबल में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी की एडवांस तकनीक के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग पर होगा जोर। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को भी करेंगे संबोधित। कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमेरिका की डेलावेयर में क्वाड बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज और जापानी पीएम फुमियो किशिदा भी रहे मौजूद। क्वाड बैठक में बोले पीएम मोदी, ये बैठक उस समय हो रही है जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी। क्वाड का साथ मिलकर चलना पूरी मानव तक ले जरूरी। पीएम मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। क्वाड सम्मेलन में पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की अगवानी की। बाइडेन के स्कूल में हुई बैठक। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अमेरिका के पीएम मोदी ने जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड समिट के बाद क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर की स्थिति को लेकर जताई चिंता। कहा, समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हल किया जाना चाहिए। आतंकवाद पर क्वाड नेताओं ने कहा, हम आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इससे निपटने के लिए हम प्रतिबद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी क्वाड नेताओं ने चिंता जताई। कहा, यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। स्थायी शांति जरूरी। बैठक से पहले क्वाड लीडर्स का फोटो सेशन भी हुआ। पीएम मोदी के ठीक बगल में खड़े हुए बाइडेन, कंधे पर रखा हाथ। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा। बाइडेन से क्वाड के अस्तित्व को लेकर पूछा गया था सवाल। मोदी ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं। 2025 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी जानकारी। क्वाड बैठक से पहले पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों के बीच 1 घंटे चली बैठक। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक बातचीत को बेहद सार्थक बताया। एक्सपर्ट लिखा, हमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक्सपर्ट लिखा, अमेरिका और भारत के बीच मौजूदा संबंध इतिहास में सबसे मजबूत, दोनों देश एक दूसरे के करीब। बाइडेन ने लिखा, वो और प्रधानमंत्री मोदी जब भी एक साथ बैठते हैं तो सहयोग की नई संभावनाएं बनती हैं। जो बाइडेन ने अपने घर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। डेलावेयर एयरपोर्ट पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। कश्मीरी पंडितों को खड़गे ने दिया भरोसा। कहा, पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे, पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। तरुण चुग ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर बोला हमला। कहा, गांधी परिवार की महापरिक्रमा छोड़कर कांग्रेस पार्टी बचाई। तरुण चुग ने निशाना साधते हुए कहा, लगातार 2 दर्जन चुनाव हार चुके हैं, अब भी चुनाव हारने के डर से नया हथकंडा ला रहे हैं। 23 सितंबर को श्रीनगर जाएंगे राहुल गांधी, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। अमेरिका में सिखों पर दिए बयान पर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, बीजेपी मेरे बयान को लेकर झूठ फैला रही है, हमेशा की तरह वे झूठ का सहारा ले रहे हैं। राहुल बोले, बीजेपी सच्चाई का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वे मुझे चुप कराने पर तुले। राहुल गांधी को बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने दिया जवाब। कहा, भारत में सिखों के लिए काला समय साल 1984 का था, पगड़ी उतार कर जान बचानी पड़ी थी। राहुल गांधी के बयान से सिखों में भय का माहौल। सिख संस्थाओं ने बयान वापस लेने की मांग की। बीजेपी सचिव मनजिंदर सिरसा का बयान। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा, अगर उन पर मुकदमा चलता है तो स्वागत होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की मांग, विधानसभा चुनाव में एनडीए कम से कम 24 मुसलमानों को टिकट दे। हुसैन दलवाई बोले, लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, लेकिन हमने शिकायत नहीं की। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस का डीएनए ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती, सीएम सैनी का आरोप। विभानी में सीएम सैनी ने युवाओं से किया संवाद। कहा, बिना पर्ची बिना खर्ची के 2 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस नेताओं ने कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे हैं। इसे पूरे हरियाणा में आक्रोश, बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो, आप कैंडिडेट सतीश यादव के लिए मांगे वोट। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा, हरियाणा में देश से 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी। आप नेता गोपाल राय बोले, हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। आप सांसद संजय सिंह का बयान, हरियाणा में बिना केजरीवाल के समर्थन की सरकार नहीं बनेगी, समर्थन वाली सरकार पर केजरीवाल का कंट्रोल होगा।
केजरीवाल के किंगमेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर, बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट रणवीर का तंज, बुझे हुए दिए से शमा रोशन नहीं की जा सकती। हरियाणा में के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, आईएनएलडी बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आतिशी कैबिनेट में मंत्रालय का हुआ बंटवारा, सीएम आतिशी के पास पीडब्ल्यूडी एजुकेशन समेत 13 मंत्रालय होंगे। मंत्री सौरभ भारद्वाज को शहरी विकास, हेल्थ, टूरिज्म समेत 8 मंत्रालय का मिला जिम्मा। गोपाल राय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे, साथ ही विकास और प्रशासनिक विभाग संभालेंगे। मंत्री कैलाश गहलोत को 5 मंत्रालयों का मिला जिम्मा, ट्रांसपोर्ट, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभालेंगे। मंत्री इमरान हुसैन को 2 मंत्रालयों का मिला जिम्मा, फूड एंड सप्लाई, इलेक्शन विभाग के मंत्री बनाए गए। मंत्री मुकेश अहलावत को 5 मंत्रालयों का मिला जिम्मा, गुरुद्वारा, इलेक्शन, लेबर, लैंड और बिल्डिंग का मिला जिम्मा। शपथ लेने के बाद केजरीवाल से मिली सीएम आतिशी, केजरीवाल के पैर छू कर लिया आशीर्वाद। सीएम बनाने के लिए आतिशी ने केजरीवाल का जताया आभार, कहा यह भावुक समय, केजरीवाल अब सीएम नहीं। सीएम आतिशी बोली, हमारा अब एक ही काम, अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आतिशी को दी बधाई, कहा दिल्ली के लिए खुलकर काम करें, हम पूरा समर्थन देंगे। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा उन्होंने 9.5 साल सिर्फ ब्लेम गेम में बर्बाद किया। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता, एक बात साफ, सरकार ना तो जेल से चलेगी ना ही बेल से। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली सरकार अब रिमोट से चलेगी, रिमोट अरविंद केजरीवाल के पास। आप नेता दिलीप पांडे बोले, हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की है, इसी को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा। तिरुपति प्रसाद विवाद के बीच डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने उपवास का ऐलान किया, 11 दिनों के लिए प्रायश्चित दीक्षा ली, कहा तिरुपति मंदिर में हुए इस अपराध का पता नहीं चलने के कारण प्रायश्चित करूंगा। मिलावटी प्रसाद के लिए पवन कल्याण ने खेद जताया, कहा भगवान मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे पिछले शासकों द्वारा किए गए पापों को साफ करने की शक्ति दे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, वाईएसआरसीपी की सरकार ने जन भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। तिरुपति प्रसादम विवाद पर बोले गोरखपुर से सांसद रवि किशन, समय आ गया है शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने का, संत नहीं योद्धा बनिए। धारावी मस्जिद मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा की तोतूक, मस्जिदों के अवैध निर्माण हर हाल में ध्वस्त होंगे। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर आरोप, धारावी में अडानी ग्रुप के आने से बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगे की योजना बना रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर बोले, अवैध निर्माण और कब्जे पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनु जरांगे बाटल के अनशन का आज छठवां दिन, अनशन के समर्थन में जालना, परभनी और पुणे जिले के ग्रामीण इलाके आज बंद। यूपी के हमीरपुर में 9 मदरसों को बंद करने का आदेश, अवैध ढंग से उगाही का था आरोप। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी के सहारनपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झड़प, झड़प के दौरान फायरिंग, पथराव भी हुआ, गोलीबारी में कई राहगीरों को लगी गोली। मामले को शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल, एक आरोपी गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते हुई थी झड़प। गुजरात के भुज में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे तालाब के नजदीक अतिक्रमण को हटाया। बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, किसी के घायल होने की खबर नहीं। ओडिशा में आर्मी अफसर की मंगेतर के यौन उत्पीड़न मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, कस्टडी में बदसलूकी पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एनसीईआरटी की किताब को लेकर विवाद, किताब के कंटेंट पर एक शख्स ने उठाया सवाल, पुलिस ने कर दी शिकायत। चंपावत के बनबसा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों को लेकर की बैठक, जिला अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। नागपुर के पार्डी में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, डिप्टी सीएम फडणवीस का मांगा इस्तीफा। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सड़क हादसे में हुए घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने बताया, रिपोर्ट के हिसाब से सुभाष बराला फिलहाल ठीक हैं, उन्हें बहुत गहरी चोट नहीं लगी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोडा फैक्ट्री में कैरोलिन गैस की पाइपलाइन में रिसाव, करीब 10 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत सामान्य। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव, एक व्यक्ति की मौत, न्यायिक जांच के आदेश जारी। हमीरपुर में पुलिस और लुटेरे के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई गोलीबारी, पैर में गोली लगने से घायल हुआ लुटेरा, घायल लुटेरे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, केतन नाम का बदमाश पैर में गोली लगने से हुआ घायल, एक अज्ञात बदमाश मौके से हुआ फरार, गिरफ्तार घायल बदमाश केतन के खिलाफ गाजियाबाद और नोएडा में दर्ज हैं 10 मुकदमे। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गाड़ियों से डीजल और पेट्रोल की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, एक ट्रक 20 लीटर चोरी का डीजल और अवैध हथियार बरामद।
पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, बाकी तीन बदमाशों को पुलिस ने कोम्बिंग के दौरान जंगल से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों पर मेरठ और मुजफ्फरनगर में कई थानों में चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज, फिलहाल पुलिस बदमाशों की कर रही है पूछताछ। एमपी के बरेला थाने में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत, नाराज लोगों ने किया प्रोटेस्ट। बेंगलुरु में एक लड़की की निर्मम हत्या, शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में फूड सेफ्टी विभाग अलर्ट, मोबाइल सैंपलिंग वैन से जगह जगह जाकर घी की चेकिंग। पंजाब के नाभा में नकली घी बेचते पकड़े गए दो युवक, घी के 96 डिब्बे और गाड़ी की जब्त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक शतक लगाने वाले विकेटकीपर बने ऋषभ पंत, 2019 से अब तक पंत ने 4 शतक लगाए, लिटन दास मोहम्मद रिजवान के नाम है 3-3 शतक। शुभमन गिल ने 2022 के बाद से सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 शतक लगाया, बाबर आजम और जो रूट के नाम है 11-11 शतक। रविचंद्रन अश्विन ने चौथी पारी में सबसे अधिक विकेट लेने का अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा, अश्विन के नाम चौथी पारी में 96 विकेट, कुंबले के लिए ने लिए थे 94 विकेट। दिल्ली कैपिटल्स 2025 आईपीएल के लिए ऋषभ पंत को कर सकती है रिटेन, रिटेंशन लिस्ट में टॉप पर है ऋषभ पंत।